चार हार के बाद पाकिस्तान फाइनली जीत गया है। फाइनली तुम्हें लगा कि पाकिस्तानी लोग कहीं गलत ना समझ ले, इंग्लिश वैसे ही नहीं आती। बांग्लादेश को 7 विकेट से पाकिस्तान ने हरा दिया है और पाकिस्तान ने 2 जीत के बाद और 4 लगातार हार के बाद फिर आखिरकार एक मैच जीत लिया है। बांग्लादेश जिन्होंने 204 रन बनाए थे ऑल आउट होने से पहले, पहले उन्होंने बैटिंग करी, 204 पर ऑल आउट हो गए थे और फिर पाकिस्तान ने 3 विकेट खोकर ही ये स्कोर को चेस कर दिया है। बांग्लादेश को 7 विकेट से पाकिस्तान ने हरा दिया है। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि अब इस जीत के साथ पाकिस्तान पाकिस्तान पॉइंट टेबल पर नंबर 5 पर पहुंच गया है, पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं वो बैटिंग कार्ड कहां पर ये मैच बदला। यहां पर पाकिस्तान के ये जो ओपनर हैं अब्दुल्ला शफीक, और आज पाकिस्तान ने ओपनिंग में बड़ा चेंज किया है। यहां पर इमामुल हक को इन्होंने टीम से बाहर का रास्ता दिखाया। अब्दुल्ला शफीक ने आज 68 रन बनाए 69 बॉल्स पे, 9 चौके 2 छक्के, और इसके साथ उन्होंने जो पार्टनरशिप करी फखर जमान के साथ वो 128 रन की थी। फखर जमान ने बढ़िया बैटिंग करी भाई, बहुत बढ़िया बैटिंग। यहाँ पे ये तो जो पर्ची प्लेयर हटा के आए हैं, 81 रन की पारी आज खेली फखर जमान ने, 74 बॉल्स में 3 चौके और 7 छक्के, 109 का स्ट्राइक रेट। एक लौते ऐसे बंदे हैं जो शायद पाकिस्तान की टीम में तेज खेल सकते हैं। पावर आजम, लेकिन ये यकीन नहीं कर पा रहे थे कि छक्के भी लगाए जा सकते हैं। इनको इतने मतलब ऐसे हो गए, डिसअपॉइंट हो गए, 9 रन पे खुद आउट हो गए, वो भी 16 बॉलों पे, जहां इनके ओपनिंग में जो बंदे आ रहे हैं 6-6, 7-7 छक्के लगा रहे हैं, ये 1 चौका लगा पाए और उसके अलावा 56.25 का स्ट्राइक रेट ही मैनेज कर पाए। बड़े बुरे हाल तो बाबर आजम की खराब फॉर्म जारी, लेकिन उसके बाद 3 विकेट गिरने के बाद मोहम्मद रिजवान ने नॉट आउट, 26 रन बनाए 21 बॉलों में 4 चौकों के साथ 123.8 के स्ट्राइक रेट के साथ। उसके अलावा यहां पर इफ्तिकार चचा भी थे क्रीज पर, इफ्तिकार चचा ने 15 बॉल में 17 रन बनाए, 2 चौके इन्होंने लगाए 113.33 के स्ट्राइक रेट से। इफ्तिकार अहमद भी नॉट आउट रहे और इसी के साथ पाकिस्तान ने बांग्लादेश का, अपने इफ्तिकार अहमद का, हाँ इनका सरनेम चचा नहीं है, नहीं चचा नहीं है, क्या बात कर रहे हो। इफ्तिकार अहमद के स्कोर के साथ साथ पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। थोड़ा सा बॉलिंग कार्ड भी आपको दिखा देते हैं, ये थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि थोड़े से ही विकेट गिरा पाए, सिर्फ 3 विकेट गिरा पाए और वो सारे के सारे विकेट मिले मेहंदी हसन मिराज को, जिन्होंने 9 ओवर में 60 रन दिए। 3 बंदों ने एक एक विकेट ले ली, चलो बढ़िया। मेहंदी हसन और मिराज ने मिलाकर 3 विकेट लिए। उसके अलावा जितने भी बाकी बॉलर थे वो कुछ करने के लिए नहीं आए थे। टस्किन अहमद 6 ओवर में 36 रन दे गए, शरीफुल इस्लाम 4 ओवर में 25 रन, उसके अलावा मुस्तफिजुर 7 ओवर में 47 रन, शाकिब अल हसन 5 ओवर 3 बॉल 30 रन, नजमुल हुसैन ने भी 1 ओवर डाला 5 रन। इन किसी भी खिलाड़ी को यहां पर सफलता नहीं मिली सिवाय मेहंदी हसन मिराज। ये भाई ये मेरे को पता है बांग्लादेशी बंदे ना सारे दिलेर मेहंदी के फैन है। अच्छा ये हर तीसरा बंदा इनका मेहंदी निकलता है। मुझे लगा तुम कहोगे कि नील नितिन मुकेश के फैन तीन नाम वाले, मेहंदी हसन मिराज ये भी गजल वाले फैन भी हो सकते हैं। ये भी मेहंदी हसन मेहंदी साहब, क्या बात कही। वाह वाह वाह। पर अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहां पर पाकिस्तान ने जो रन बनाए वो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन जिस तरीके से आज पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी, यहां पर इस परफॉर्मेंस में कई लोगों को मजा आया और यहां पर एक उम्मीद भी मतलब बन चुकी है कि पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि फिर से कुदरत का निजाम होगा और फिर से पाकिस्तान। यार ये लोग रियलाइज क्यों नहीं करते हैं कि जब बड़ी टीमें आती हैं तो ये घुटने टेक देते हैं, और जैसे ही बांग्लादेश आती है जो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, कलर में नहीं है बिल्कुल भी, उनके आगे ये लोग शेर बन जाते हैं अचानक से कि देखो हमने डोमिनेट कर दिया, हमने हरा दिया बांग्ला टाइगर्स का, इन्होंने शेर बना दिया उधर। तो इसी ऑन क्यू हम बांग्लादेश का आपको बैटिंग कार्ड भी दिखा देते हैं, काफी गंदा घिनौना बैटिंग कार्ड। तंजीद हसन 0 रन बनाकर ये आउट हुए 5 बॉल पर, शाहीन अफरीदी को इन्होंने पहला विकेट दिया। उसके बाद अच्छे रन बनाए लिटन दास ने, 45 रन बनाए इन्होंने 64 बॉलों में, 6 चौके इन्होंने लगाए 70.31 का स्ट्राइक रेट से, लेकिन उसके साथ साथ बाकी बैटिंग में मजा नहीं आया भाई, बिल्कुल मजा नहीं आया। वहां पे मेहंदी हसन मिराज जिन्होंने विकेट तो निकाली जरूर, लेकिन 25 रन बैटिंग में भी जोड़े 30 बॉलों के अंदर, 1 चौका 1 छक्का इन्होंने अपने बल्ले से लगाया। इसके अलावा नजमुल हुसैन शांतो, अच्छा दीदी बिल्कुल शांत रहे भाई, इनको कैप्टन बना दिया था ना बीच में शाकिब के जाने के बाद। 3 बॉल में इन्होंने 4 रन बनाए। उसके बाद मुशफिकुर रहीम आए, 5 रन इन्होंने बनाए, कुल मिला के 8 बॉल
ओवरों में बहुत शानदार परफॉर्मेंस नहीं थी इनकी, एक ही चौका लगाया यार, कोई चक्कर नहीं, 62 का स्ट्राइक रेट, ये कोई स्ट्राइक रेट होता है? पर अच्छी परफॉर्मेंस आई महमूदुल्लाह रियाद की तरफ, लेकिन बांग्लादेश की टीम कैसे बर्दाश्त करेगी कि जो बंदा उनके लगातार हाफ सेंचुरियां मार रहा है, 56 रन इन्होंने बनाए हैं, उसको वो ऊपर खिलाने, नहीं हम नीचे ही बुलाएंगे, नीचे खिलाएंगे, तो 70 ओवरों में इन्होंने 56 रन बनाए, 6 चौका 1 छक्का, स्ट्राइक रेट रहा इनका 80 का, उसके अलावा मतलब मुझे तो बिल्कुल इनके स्कोर कार्ड में बिल्कुल मजा नहीं आया, 204 रन पर ये ऑल आउट हो गए 45.1 ओवर में।